खाना खाने के बाद अक्सर कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो ऐसे में सोचते हैं कि ऐसी क्या चीज बनाएं जो जल्दी बनकर तैयार हो जाए। तो जल्दी बनने वाली चीजों में से एक है मुरमुरे के लड्डू, जिन्हें बनाना भी आसान है और खाने में भी काफी टेस्टी होते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं रिया, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रिया फूड बास्केट में। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं मुरमुरे के लड्डू। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम मुरमुरे लिए हैं और 150 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया हुआ है। मुरमुरे को यहाँ पर लाई भी बोलते हैं और मुरमुरे को फ्रेंड्स हमें यहाँ पर भूनने हैं, क्योंकि जो ये मुरमुरे हैं वो हल्के से सिले हुए हैं। अगर आपके मुरमुरे सिले हुए नहीं हैं, कुरकुरे हैं, तो आप ना भूनें। और गैस पर रख देते हैं हम कढ़ाई गर्म होने के लिए। ये देखिए गैस पर मैंने कढ़ाई रखी हुई है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है और ये मुरमुरे जो हैं ये हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं। और गैस को यहाँ पर हमें लो फ्लेम पर ही रखना है और इनको चलाते रहेंगे ताकि जो मुरमुरे हैं वो नीचे से जले नहीं। देखिए चेक कर लेते हैं कि ये भुन चुके हैं नहीं। ये देखिए हाथ से तोड़ने से इजिली टूट रहे हैं ये, और इस तरह से दबाने से देखिए चूरा हो रहा है इनका। तो इसका मतलब है ये अच्छे से भुन चुके हैं और गैस को यहाँ पर बंद कर दिया है और इन्हें किसी बर्तन में निकाल लेंगे और दोबारा से गैस पर कढ़ाई रख देते हैं। ये देखिए अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, आधा चम्मच से कम यहाँ पर देसी घी डालना है और इसमें डाल देंगे गुड़। अब इन सभी को अच्छे से चला लेंगे ताकि जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। देसी घी डालने से एक मुरमुरे के जो लड्डू बनते हैं उनमें एक अच्छी सी खुशबू आती है और ऊपर से एक अच्छी सी शाइनिंग आती है। और गैस को भी हमें यहाँ पर लो फ्लेम पर ही रखना है। इसे अच्छे से चला लेंगे, देखिए मेल्ट हो चुका है गुड़ अच्छे से। इसमें डालेंगे नमक, यहाँ पर 1 पिंच नमक डालना है, बहुत ज्यादा नमक हमें नहीं डालना है, सिर्फ 1 पिंच ही नमक डालना है। इसको अच्छे से चला लेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको जो लड्डू है वो सॉफ्ट बनाने हैं तो आप इसी स्टेज पर मुरमुरे को डाल दें, और अगर आपको क्रंची लड्डू बनाने हैं तो इसे और पकाना है अभी। एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए अभी चाशनी बनी नहीं है बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि ये फैल रही है चारों तरफ पानी में। इसे और चला लेते हैं अच्छे से। लेकिन इसको चलाते रहना है कि जो गुड़ है वो नीचे से जले नहीं। गुड़ जलते ही एक तो कड़वापन आ जाएगा, ऊपर से लड्डू भी अच्छे नहीं बनेंगे इसमें। देखिए गुड़ में झाग आने लगे हैं, एक पहचान ये है, जब इस तरीके के झाग आने लगे हैं तो समझ जाए कि ये एक परफेक्ट इसकी जो चाशनी है वो बनकर तैयार है। ऊपर से दूसरी तरीके से हम ये पानी में भी इस तरह से डाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी में डालने से ये इस तरह से जम गई है, ये फैल नहीं रही है चारों तरफ से, और हाथ से निकालेंगे तो इजिली निकल जाएगी ये। देखिए इससे ज्यादा हमें गुड़ को और नहीं पकाना है। ये देखिए अब जो मुरमुरे हैं वो इस कढ़ाई में डाल देंगे। और इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि जो ये गुड़ है वो मुरमुरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और गैस को यहां पर बंद कर देते हैं और इस मिक्सर को हमें कढ़ाई में ही रहने देना है, हमें किसी बर्तन में नहीं निकालना है, क्योंकि अगर बर्तन में निकालेंगे तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि कढ़ाई में रहेगा तो क्योंकि कढ़ाई गर्म रहेगी तो इसलिए ये गर्म रहेगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब इसके लड्डू बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने एक स्टैंड पर कढ़ाई को रख दिया है और एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है, क्योंकि ये जो मिक्सर है वो गर्म है और हाथ को हम पानी में भिगोएंगे पहले, और जितना मोटा हमें लड्डू बनाना है उतना हम मिक्सर ले लेंगे। ये दूसरा हाथ भी मैंने पानी में भिगो लिया है और इस तरीके से हल्के हाथ से इस तरीके से दवा दवा के लड्डू बना लेंगे। और फ्रेंड्स ये गर्म में ही लड्डू बनते हैं, अगर ठंडा हो गया तो ये लड्डू नहीं बनेंगे। देखिए इसीलिए ये कढ़ाई में रखा है। इसी तरीके से हम लड्डू बना लेंगे सारे। ये देखिए यहाँ पर ये सारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। और फ्रेंड्स ये मार्केट से भी ज्यादा टेस्टी लड्डू बनते हैं, आप जरूर बनाइए, खुद भी खाइए और अपने परिवार वालों को भी खिलाइए। और फ्रेंड्स अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।